हाय गाइस, मैं दिव्यांश श्रॉफ, सबका स्वागत है हमारे नए वीडियो में। और ये जो वीडियो है हमारे नए स्टूडियो में शूट हो रहा है, नए स्टूडियो का पहला वीडियो है और फाइनली हम लोग बोट फ्लैश के बारे में बात करने वाले हैं। मैं जानता हूँ काफी आप लोगों ने इंतजार किया, काफी कमेंट्स, काफी डीएम करे कि सर बोट फ्लैश कब आ रही है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए थोड़ा सा कंटेंट का एक्सक्लूसिव बनाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे दो फ्लैश मंगाई है, एक जो है रेड में है और एक जो ब्लू में। अब दोनों वॉच जो है देखते हैं, समझते हैं किस तरह की वॉच और क्या ये वर्थ है खरीदना, सही है कि नहीं, तो वो जानेंगे वीडियो में आगे। बट उससे पहले हम लोग इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और कंटेंट्स वगैरह चेक कर लेते हैं। चलो, तो ये हमारा बॉक्स हम लोग ओवरव्यू लेते हैं। तो टॉप पे यहाँ पे वॉच फ्लैश लिखा हुआ है, जो मॉडल है हमारे पास बोट की ब्रांडिंग की भी है। फ्लॉन्ट फिटनेस जो है टैगलाइन उन्होंने यूज़ करी इस वॉच के साथ में। स्लिम मेटल डिजाइन आपको मिलता है यहाँ पे। पीछे जो है डिवाइस के आपको सारे हाईलाइट्स यानी कि हाईलाइट्स जो है वो आपको पीछे देखने को मिल जाएंगे। नीचे यहाँ पे बॉटम में प्राइसिंग वगैरह दे रखी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा दी है बॉक्स से, बट ओरिजिनल कम है गाइस, अराउंड 2500 के आसपास पड़ती है। अभी फटाफट हम लोग बात करते हैं इसके जो और कंटेंट्स हैं, क्या क्या मिलते हैं आपको। तो यहाँ पे कंटेंट में सबसे पहले तो एक मैनुअल मिल जाती है, जो आपको अभी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन दे देती है वॉच से रिलेटेड, किस तरीके से इसको यूज़ करना, तो सारी डिटेल जो है आपको इसमें मैनुअल में देखने को मिल जाएगी। और अगर वहीं बात करूँ तो एक कैटलॉग आपको मिल जाता है, जो बोट की और प्रोडक्ट्स के बारे में आपको डिटेल देता है, तो अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं तो वो भी चेकआउट कर सकते हैं। वारंटी की बात करूँ तो यहाँ पे एक साल की वारंटी जो है वॉच में आपको मिल जाती है। इसके लिए आपको यहाँ पे QR कोड का स्कैन करके इनकी वेबसाइट विजिट करके अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर करना होगा, आपकी जो वारंटी है ऑटोमेटिकली क्लेम हो जाती है। बोट हेड का यहाँ पे आपको स्टिकर मिल जाता है, तो कहीं भी आप इसको लगा सकते हैं अगर आप भी एक बोट हेड हैं। तो यहाँ पे आपको एक जो है चार्जिंग केबल मिलेगी। अब इस चार्जिंग केबल में अगर मैं बात करूँ पॉइंटर्स की, तो यहाँ पे मैग्नेटिक पॉइंटर्स आपको मिलते हैं और इनको पोगो पिन भी बोलते हैं, जो बेसिकली आपकी वॉच को डायरेक्टली चार्ज कर सकती है। खैर, यहाँ पे इसके साथ आप जो है 10 वॉट का चार्जर यूज़ कर सकते हैं अडॉप्टर के तौर पे। अब बात करता हूँ मैं फ्लैश वॉच के बारे में, तो यहाँ पे आपका टॉप एक स्टिकर है, स्टिकर को रिवील करते हैं। तो पीछे आपको डिस्प्ले मिल जाता है यहाँ पे फ्रंट में, बैक साइड में जो है यहाँ पे आपका सेंसर वगैरह है और बॉटम में यहाँ पे चार्जिंग पॉइंटर्स आपको मिलते हैं। स्ट्रैप की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, आपको यहाँ पे स्ट्रैप रिमूवेबल देखने को मिलते हैं, ईजी लॉक सिस्टम दे रखा है। अब बाकी डिटेल हम लोग बात करेंगे, इससे पहले हम लोग यहाँ पे इसमें जो इको कलर ऑप्शन है उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे ब्लू कलर हमारे पास अवेलेबल था। यहाँ पे चेंजेस कुछ भी नहीं है बॉडी में, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे रीम जो है, बटन जो रीम है, वो भी यहाँ पे आपको रेड देखने को मिलती है। सिर्फ इन्होंने यहाँ पे स्ट्रैप चेंज कर दिए हैं, और अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं और मार्केट से भी खरीद सकते हैं। अब आगे डिटेल में बात करते हैं इसके वर्डिक में। चलिए गाइस, तो मुद्दे की बात कर लेते इस वॉच के बारे में। तो मैं पहली बात यहाँ पे करूँगा इसके बेल्ट और डिज़ाइन के बारे में। बेल्ट की अगर बात करूँ तो यहाँ पे पहली नज़र में आपको ऐसा लगा कि यहाँ पे इन्होंने मेटल बॉडी यूज़ करी, बट मेटल नहीं है। यहाँ पे पॉलीकार्बोनेट आपको देखने को मिलता है, बट मेटल एक फिनिश कर रखी है उस पर, जो आपको लुक एंड फील में काफ़ी अच्छे बना देते इस वॉच को। स्ट्रैप क्वालिटी की बात करूँ तो यहाँ पे सिलिकॉन उन्होंने यूज़ किया है, और ऐसे मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसके स्ट्रैप्स में लगा नहीं। बट जो मुझे काफ़ी अट्रैक्ट करा इस वॉच में वो है इसकी डिज़ाइन। डिज़ाइन काफ़ी स्लिम रखी हुई है, स्लिम मेटलिक फिनिश डिज़ाइन आपको देखने को मिलती है। और नो डाउट अगर आप इसको हाथ पे पहनेंगे, क्योंकि मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस देखने को मिला, मैं जिम में इसको पहनने घूम रहा था, काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा भाई कौन सी वॉच पहन रखी तूने, तो मैंने उनको बताया कि यार ये वॉच और दिखने में बहुत अच्छी लगती है, और जिनको सर्कुलर डायल पसंद है उनको तो ये वॉच लुक एंड फील के मामले में काफ़ी सही लगेगी। वेट की अगर बात करूँ तो 33 ग्राम इस वॉच का वेट है, और ऐसा मुझे हैवी लगी नहीं ये वॉच। और हाँ, एक कुछ ये भी है कि इसके स्ट्रैप्स यहाँ पे रिमूवेबल हैं, क्योंकि इन्होंने नॉर्मल लॉक सिस्टम दिया हुआ, ऐसा कोई डिफरेंट लॉक सिस्टम नहीं है कि यहाँ पे केवल बोल्ट के ही स्ट्रैप को यूज़ करना है। अगर आप आफ्टर मार्केट कुछ अच्छे स्ट्रैप्स खरीदना चाहते हैं तो आप यहाँ पे खरीद सकते हैं, वो एक अच्छा एलिमेंट है मेरे हिसाब से। और एक बहुत अनयूजुअल सी चीज़ मैंने नोटिस करी कि काफ़ी सारे क्रिएटर जिन्होंने वीडियो अपलोड कर दिए हैं, वो कह रहे थे कि यहाँ पे इसके जो बैक है, जो सेंसर वाला एरिया, वहाँ पे स्क्रैचेस वगैरह लगे हुए, बट वो स्क्रैचेस नहीं है गाइज। यहाँ पे इन्होंने फ्लेम लगा रखी है, जो प्रोटेक्शन के दे रखा है बेसिकली, तो आप उसको जैसे निकालोगे तो आप देख सकते हैं काफी जो है यहाँ पे जो है बॉडी क्लीन है, कोई भी स्क्रैच नहीं है। तो इस चीज को लेकर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना गाइस। वहीं अगर बात करूं इस डिवाइस की स्पेसिफिकेशन की, तो 1.3 इंच का आपको LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है, और डिस्प्ले क्वालिटी मुझे पर्सनली काफी सही लगी। थोड़ा सा ये कह सकता हूँ कि ब्राइटनेस कम है, एक्सट्रीम सनलाइट में आपको दिक्कत आ सकती है, आपको हल्का फुल्का शेड लेना पड़ेगा, बट ये है कि काफी अच्छे से वर्क करती है। और इस डिवाइस में आपको वेग गेस्चर भी देखने को मिलता है, तो जैसे आप हैंड को ट्विस्ट करेंगे तो आपका डिस्प्ले ऑन हो जाता है। थोड़ा सा डिले आता है, बट हाँ ये चीज अच्छे से वर्क करती है, कोई दिक्कत आपको देखने को मिलेगी नहीं। वहीं अगर बात करूं इस डिवाइस में दूसरी चीजों को, तो यहाँ पे IP68 रेटिंग आपको मिल जाती है। ये वॉच जो है वाटर एंड डस्ट प्रूफ है, तो अगर आप इसको स्विमिंग वगैरह के टाइम पे यूज कर रहे हैं, अगर आप एथलीट हैं और लॉन्ग जंप वगैरह ऐसे इवेंट करते हैं, तो आपको डस्ट से इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पानी से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये काफी अच्छे से वर्क करती है। इस डिवाइस में ब्लूटूथ वर्जन जो है 5.0 यूज किया हुआ है, और कनेक्टिविटी को लेकर मुझे काफी दिक्कतें देखने को मिली इस वॉच में। इन्होंने एक डेडिकेटेड एप्लीकेशन बना रखी है, जो कि काफी अच्छी बात है कि इनकी जो है इस वॉच से रिलेटेड एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन है,
हैं, बट वहाँ पे दिक्कत ये है कि जैसे आप कनेक्ट कर लोगे इस वॉच को तो थोड़े टाइम बाद अगर आपने ब्लूटूथ अगर ऑफ कर दिया और वापस से ऑन करेंगे तो कनेक्ट नहीं हो रही थी ये वॉच। इन्होंने एक अपडेट ऑलरेडी दे दिया है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आने वाले टाइम में एक और अपडेट आएगा और ये जो चीज़ है ये रिजॉल्व हो जाएगी। वहीं बात करूँ इस डिवाइस में बैटरी परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको अराउंड 5 to 6 डेज का परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। मैं जब वॉच आई थी तो अराउंड 78% में इस वॉच को पहना था और एट प्रेजेंट 60% अभी इसकी बैटरी है, तो बैटरी परफॉर्मेंस आपको दिक्कत मिलेगी नहीं। कंपनी का कहना है तो 7 दिन का है, बट 7 दिन तक तो नहीं चलेगी, बट हाँ बट 5 दिन तो ये आराम से चल जाएगी। खैर अगर बात करें इस डिवाइस की परफॉर्मेंस एंड फीचर्स की तो वो काफी सारे अच्छे और अमेजिंग आपको मिल जाते हैं। परफॉर्मेंस से पहले मैं यहाँ पे बात करूंगा इसकी यूआई के बारे में, तो यूआई बहुत तगड़ी आपको मिल जाती है। ये चीज मुझे लगी कि काफी इन्होंने मिनिमल रखा है और सभी चीजें आपको यहाँ पे दे रखी है इन्होंने वॉच में, जहाँ आप सारे कंट्रोल्स वगैरह देख सकते हैं। अगर आपको वॉच फेस वगैरह चेंज करना है या आपको डिफरेंट मोड्स वगैरह चेंज करना है तो सभी चीजें यहाँ पे दे रखी है, बट हल्का सा लैग है थोड़ा सा, वो आपको अनावश्यक जरूर कर सकता है, बट वो हो सकता है कि फ्यूचर अपडेट्स में वो चीजें कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाए। इसके अलावा दूसरी चीजों को लेकर बात करूं मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको जो फीचर्स हैं वो काफी सारे अमेजिंग मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे कॉल नोटिफिकेशन अलर्ट आपको मिल जाता है। कॉल नोटिफिकेशन अलर्ट में ये है कि सिर्फ आप डिनाई कर सकते हैं, यहाँ पे कॉल को आपको मालूम पड़ जाए कि इस व्यक्ति ने आपको कॉल किया है, और सिर्फ कट करने का ऑप्शन आपको मिलता है। कॉल पिक नहीं कर सकते या इसको वॉच को आप म्यूट नहीं कर सकते। इसके अलावा यहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह भी आते हैं, अगर आपको व्हाट्सएप है फेसबुक है तो वो सभी चीजों के आपको आइकन देखने को मिलते हैं। ऐसा यहाँ पे कोई डिफरेंट नहीं है, अगर आप देखोगे तो नॉर्मल टेक्स्ट में आपको सभी चीजें दिखने को मिल जाती है, रीड करने को मिल जाती है। रिप्लाई ऐप नहीं कर सकते, केवल आप वॉच में इसको रीड कर सकते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से काफी सही है। वहीं अगर बात करूं मैं अदर फीचर को लेके, तो यहाँ पे आपको ब्रीदिंग का फीचर मिल जाता है। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं तो यहाँ पे आराम से ब्रीदिंग करके थोड़ा बहुत कूल अप कर सकते हैं अपने आपको। इसके अलावा एक बड़ा हाईलाइट जो काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि सर इसमें कैमरा कंट्रोल वगैरह है कि नहीं, तो हाँ इस वॉच में कैमरा कंट्रोल आपको मिल जाता है, और ये चीज काफी हैंडी होती है अगर आप ग्रुप में हो या फ्रेंड्स वगैरह आपको सेल्फी वगैरह लेना है, तो ये चीज यहाँ पे आपको अच्छी मिल जाती है कि आप वॉच के थ्रू यहाँ पे टच करके क्लिक कर सकते हैं। और इसमें इन्होंने एक फीचर काफी अच्छा एड ऑन करा है, आप जैसे ही हैंड को शेक करेंगे, हैंड को मूव करेंगे, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेल्फी वगैरह क्लिक हो जाती है। इसमें आपको म्यूजिक कंट्रोल भी अवेलेबल कर रखा है, और मेरे लिए वो काफी अच्छा रहा है क्योंकि मैं जिम में जो है ब्लूटूथ लगा के गाने वगैरह सुन रहा होता हूँ, और हाथ में वॉच होती है, फोन कहीं दूर पड़ा होता है, तो यहाँ से मैं ट्रैक वगैरह इजीली चेंज कर सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड बहुत अच्छे दे रखे हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स जैसे कि वॉच के जो लुक एंड फील है वो स्पोर्ट्स रिलेटेड ही है, तो यहाँ पे 10 आपको डिफरेंट स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं, और अगर डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं तो वो पर्टिकुलर स्पोर्ट्स मोड में जाके करेंगे तो आपको काफी एक्यूरेट डाटा देखने को मिलता है। अगर बात आती है परफॉर्मेंस की इस वॉच में, तो यहाँ पे सेंसर जो है आपको जो है नॉर्मल मोशन एक्टिविटी वाला आपको एक्सेलेरोमीटर सेंसर देखने को मिल जाता है, और हार्ट रेट सेंसर दे रखा है इन्होंने यहाँ पे डेडिकेटेड। अब अगर एक्सेलेरोमीटर सेंसर की मैं बात करूँ तो वो आपकी सारी जो भी मोशन एक्टिविटी है, जैसे वॉक कितना कर रहे हैं, रन कितना कर रहे हैं, वो यहाँ पे ट्रेसअप करता है। एक्यूरेसी मुझे लगी कि इसकी वॉच ही काफ़ी अच्छी है। थोड़ा बहुत वॉकिंग में मैंने देखा कि अगर मैं 10 स्टेप चल रहा हूँ तो ये 12 या 15 दिखा रहा है, तो वहाँ थोड़ा सा मुझे ये लगा कि ये इसका मूवमेंट हैंड मूवमेंट से ही थोड़ा सा जो है यहाँ पे ट्रैकअप कर लेता है। इसके अलावा यहाँ पे जो है इस वॉच में जो हार्ट रेट सेंसर है वो मुझे काफ़ी एक्यूरेट लगा, वो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी प्रॉपर डिटेल्स दे देता है। वॉच में ही यहाँ पे आपको सारी जो है एचआर रीडिंग देखने को मिल जाती है, और कंटिन्यूस एचआर रीडिंग भी इस वॉच में अवेलेबल कर रखी है इन्होंने। एसपीओटू वाला फीचर भी दे रखा है इन्होंने, तो यहाँ पे ब्लड ऑक्सीजन लेवल वगैरह भी आप टेस्ट अप कर सकते हैं। इस वॉच में जीपीएस वगैरह नहीं है, तो आपको अगर इसमें जीपीएस वगैरह से अगर आपको अपनी एक्टिविटी वगैरह ट्रैक करना है, उसके लिए आपको अपने मोबाइल फोन का यहाँ पे जीपीएस ऑन रखना पड़ेगा, तो वो जो आपकी जो मोशंस वगैरह हैं, आप कहाँ पे रन कर रहे हैं, ट्रैक वगैरह है, तो वो आपके मैप वगैरह पे दिखा देता है। एक सवाल काफी कॉमन सा होता है हमेशा कि सर वॉच फेसेस अवेलेबल है कि नहीं यहाँ पे, तो ढेर सारे वॉच फेसेस आपको इसके एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। वॉच में केवल आर्टिक आपको यहाँ पे वॉच फेसेस इन्होंने दिए रखे हैं, चेंज करना है तो एप्लीकेशन में जाना पड़ेगा, वहां से आप चेंज कर सकते हैं, और कस्टम वॉच फेस भी आप अपना बना सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लगा कि वॉच फेस अपलोड होने में, यहाँ पे जब वॉच पे अपलोड होने में टाइम लेता है, बट वो चीज काम कर जाती है। इसके अलावा यहाँ पे स्लिप ट्रैकिंग वाला फीचर भी अवेलेबल कर रखा है, और उसकी अगर मैं एक्यूरेसी की बात करूँ तो वो भी इतनी आपको एक्यूरेट नहीं मिलती है। मुझे लगा कि यहाँ पे कभी कभार तो ट्रैक नहीं किया मैं, अगर मैं 4 दिन से इसको पहन रहा हूँ बट 2 दिन तो इसने ट्रैक ही नहीं किया, तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत मुझे लगी। मे बी अपडेट्स में ये चीजें थोड़ी सी बेहतर हो जाएंगी, मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ। खैर अगर ओवरऑल वे में इस वॉच को मैं कंक्लूड करूँ तो ये वॉच मुझे पर्सनली काफी अच्छी लगी। एक चीज कहना चाहूंगा, अगर 2500 रुपए के प्राइस पॉइंट पे ही ये वॉच आपको मिल रही है तो काफी वर्थ रहने वाली है, बट अगर प्राइस इंक्रीज करती है कंपनी तो मैं कहूंगा कि आपको और ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। खैर फिलहाल इस वॉच की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और मैं ये भी आपको बता दूंगी इसकी नेक्स्ट सेल कब आने वाली है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको जो है अपडेट मिल सके इस वॉच की। फिलहाल के लिए मैं सराउंड करूंगा और जल्द मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टूडेंट रहेगा।